बेटा सही देश और कर खत्म देश की खतर जो शहीद हुआ है, हम तो गर्व है इसके ऊपर। ऐसे बच्चे बार बार थोड़े जन्म जाते जब हम तो गर्व महसूस कर रहा, देश के लिए शहीद हुआ है, बहुत बड़ा काम किया मेरे लड़का ने। कब भर्ती हो? सन 15 में हुआ था, 2015 में शादी 2021 में। हाँ जी, 3-4 साल रहा ये आर्मड में जी, उसके बाद कमांडो में ज्वाइन कर ली इसने। वैसे कमांडो में चल रहा हूँ। इकलौता बेटा, कौन कौन परिवार में? एक लड़की है, एक लड़का है, 2 बच्चे हैं। हाँ जी, लड़की की शादी इकट्ठी थी सर प्रदीप के साथ में। लड़की BSc मेडिकल कर रही है, लड़का प्लस टू करके नौकरी लगा था, बाद में उसने BA कर ली थी सर। कमांडो का मतलब इसको बहुत तगड़ा जुनून था कि भाई मैं कमांडो बन के दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा जुनून था। एक दिलेर था जिसको डर नहीं था उसके अंदर किसी चीज़ का, चाह दी रात को कह दिया बाबे वहाँ जाना है, उठ के चले जाता था। पिछली बार कब बात हुई? पिछली बार जब महीने पहले बात हुई थी, कल खोल के यहाँ था, कल फोन उठाया नहीं उन्हें, काम ना पता नहीं, कल तो याद सा गया था इसलिए फोन उठाया नहीं उन्होंने। इन्होंने कब आने की बात की थी? अब 15-20 दिन में घर थे आने की छुट्टी, मैं 15-20 दिन में छुट्टी आऊँगा, तो कल याद सा गया सर, हमने पता भी नहीं था। मैं तो दवाई लेने जा रहा था कल बुलाना मंडी में, देवता बीमार था उसको लेकर जा रहा था। एक साहब आए थे जींद से, वो रिटायर मिलिट्री थे, उन्होंने आके बता दिया मेरे को। फिर कर्नल साहब का फोन आ गया था, सारी डिटेल कर्नल साहब ने बताई है, मैं ऐसे ऐसे हो गया। आपके परिवार में से कोई आर्मी में गया कभी? नहीं, हमारे परिवार में से आर्मी में कोई नहीं गया। पहला लड़का मेरा था जो आर्मी के अंदर गया। इसको तो जुनून था जी, पहले ये पढ़ा करता, इसका कोर्स कराया करता जी, स्टेनो इसका ध्यान को नहीं, मैं कहना था आई टी आई का। फिर एक गांव में था, उसमें गांव के लड़के रेस रास मारा करते जी, उनके साथ में रेस मारने लग गया जो। फिर भाई मेरे फिर पापा मैं भी बनने तैयारी करूँ, मैं कर ले बेटा वहाँ, और किस्मत में होगी तो लग जाएगा। 3 बार ट्राई करी इसने सर, दवा में तो ये फैल हो गया था उसमें पेपर में, 3री भर्ती मैं जाके पास हो जाता सर जी।